लगता पहाड़ मुझे बुला रहे हैं अपने पास। हाँ भाई 70 मैनेज करके चलते हैं। एकदम फ्रेंडली हो गए ना। ऊपर से भी पानी गिर रहा भाई। क्या हुआ, नहीं चढ़ रही? अल्टो है शिफ्ट? ध्यान से भाई, ध्यान से। आ गया तू पीछे? भाई आ जाओ। बहन चो देखो क्लोज में कैमरा। गाड़ी ये देख डबल क्रॉस कर रही है। सामने देख स्कूटी आ रही है। सामने देख गाड़ी है शिफ्ट। सामने एक
सामने गाड़ी है एटियोस। वेलकम टू चकोरी हिल स्टेशन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे वाले और बहुत ही ब्यूटीफुल रोड वाला ये हिल स्टेशन है। और यहाँ का ये रिसोर्ट है, गंगा सागर करके रिसोर्ट है, ये भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल है। और यहाँ हमारा स्टे हुआ आज का। और यहाँ से हम आगे निकलेंगे जो बहुत ही पावरफुल मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है हमारा, शिव मंदिर जागेश्वर धाम है, जो अमरोला या अल्मोड़ा के पास में है। और यहाँ से हम चेकआउट करके सीधा जाएंगे उधर। तो यहाँ हमारी इधर में गाड़ी हमारी पार्क है, और नॉर्मली हमारे थोड़ा गाड़ियों में रिपेयरिंग का काम वगैरह करना था, वो थोड़ा हमने टूल किट से हम सब चेकअप कर लिया और लाइनअप तैयार है हमारा गाड़ियों का। जो यहाँ का नज़ारा था ना, वो किसी चीज़ में बयां नहीं कर सकते भाई। बहुत ही प्यारा रोड था, बहुत ही मतलब जो हमारे गाड़ी को चलाने में जो फील था ना, वो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे ऊपर आने से थकान थी ना, सब कुछ दूर हो गई इसी रोड पे। और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा, देखते हैं फ्यूल भरवाएंगे पहले, फ्यूल भराने के बाद सीधा निकलेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पास हमारा बहुत ही प्यारा मंदिर है एक, जागेश्वर धाम करके, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से दर्शन करेंगे, फिर बाद में देखते क्या होता। पीछे ये मेरी गाड़ी पड़ी है और मेरी गाड़ी के बाजू में जस्ट पार्थिव सी गाड़ी है, और आगे जस्ट मेरी गाड़ी के आगे एडी भाई की गाड़ी है। साजिन भाई की गाड़ी में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, इसलिए लाइट फिर चल रही है, क्योंकि अभी यहाँ से हमने हाइड्रेशन बैग में ब्लैडर में पानी भर लिया है। बाकी मिलते हैं आपको, रोड दिखाते हैं थोड़ी देर में, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मिलने वाला रोड का। जय श्री राम। तो अभी हम निकले चकोरी से, फिलहाल गाड़ी सब रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल हिल्स हैं। ये हमारा रिसोर्ट था। एक एक करके बाहर लो ना। चलो चलो चलो, सब रेडी? हाँ सब रेडी। किसको क्या करना है? चलो एडी चलो। हाँ एक एक करके निकलो ना। नील गगन रिसोर्ट और चकोरी से हम एग्जिट मार रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है और हिल स्टेशन भी बहुत प्यारा है। गाड़ी की सर्विस भी हमने खुद ने कर दी यहाँ पे सब ने। दो घंटे भाई, दो घंटे आराम से गए गाड़ी में। हाँ 11 बजे अपन गाड़ी पे लगे थे, 1 बजे। ओके
फिर बाद में लेफ्ट जाएंगे। अंकल है भाई, गाड़ी 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 अभी हम जा रहे हैं पिटोरागढ़, फिर वहां से होते हुए जाएंगे दार्जुला, फिर गुंजी, पिटोरागढ़, पिटोरागढ़ से वापिस नानपुरा। राजन भाई 6 बजे यानी वो निकल जाएंगे यहाँ से, 4:45 हुए। किधर मंदिर ही चालू हो गया अभी। चाचा क्या कर रहे हैं? चाचा क्या कर रहे हैं? ये लो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जागेश्वर धाम की पार्किंग में। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और यहाँ से अभी हम प्रसाद प्रसाद लेके हेलो गाड़ी हमारी पार्क हो गई। यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग रोड के सामने ही पार्किंग मिल जाती है कि जो प्रसाद वगैरह लेके बैठते हुए। और यहाँ से अभी हम प्रसाद लेंगे, चलते हैं मंदिर में, आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो ये प्रसाद लेके अभी इधर हम गाड़ी पार्क है और इधर हमारे सारे शूज़ वगैरह वहीं खोल लिए जो प्रसाद लिया था। और ये देखो सबसे पुराना दोनों भाई लोग, देख 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 देख, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पुराना मंदिर, जो बोलते हैं ना, जो इतना पुराना कि उनका कोई इसका कोई इतिहास नहीं बता सकता इतना, और बहुत ही पावरफुल मंदिर है।
और इस मंदिर को मतलब बहुत एक शिवलिंग है, दो अलग अलग मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है और दोनों मंदिर है बट ये अलग अलग मंदिर है। और हमें यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है और शक्तिपीठ में माता रानी विराजमान है और ये शक्तिपीठ में भी काउंट होता है। बट अभी इसमें दर्शन करने के बाद में जो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, वो भाई सच में एक मतलब इस ब्लॉक में बयां करना मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी रिलीफ मिल रही भाई, काफ़ी रिलीफ। बहुत ही इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है बहुत। और ये शिवलिंग है और ये प्राचीन और महामृत्युंजय मंदिर है, ये उसका स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही पुराना है। और बाजू में काल भैरव दादा बैठे हैं और उधर वो मेन मंदिर है सामने, और इधर ये प्राचीनतम महामृत्युंजय मंदिर है। और इसके जस्ट बाहर निकलते ही इधर में सामने सब दुकान वगैरह मिल जाती है, यहाँ होटल्स वगैरह इजीली मिल जाता है, ऐसा कुछ इतना क्राउड वो नहीं रहता। बाकी शिवरात्रि में बोलते बहुत ही क्राउड रहता है। बाकी मंदिर एक बार आपको विजिट करना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। ये वाला मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर में हर टाइप का मंदिर मिल जाएगा आपको, महाबली हनुमान जी विराजमान है, माता रानी विराजमान है शक्तिपीठ के ऊपर, और साक्षात अपने आराध्य देव शिव विराजमान है शिवलिंग के रूप में। और बहुत ही ब्यूटीफुल बाल यहाँ पे काल भैरव जी विराजमान है, यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है। और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है ना बहुत ही प्योर, जो एनवायरनमेंट बोलते हैं वो है। और यहाँ पे एक बार आइए विजिट कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपको नज़ारा में। बाकी यहाँ पे जो इसका सारा कुछ बयान मैं आपको ब्लॉग में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर में मंदिर में फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। मेरा हॉर्न बंद हो गया। एड़ी बीड़ी पिएगा ये पी रहा है। इसकी माँ किया कहाँ घुसाएगा, कहाँ घुसाएगा, जल्दी ज्यादा है क्या, जल्दी ज्यादा है आपको है? नहीं आपको जल्दी ज्यादा है क्या, तो चढ़ा दो ऊपर। नॉनसेंस, बहुत प्यारा भाई, सिंगल वन वे रोड है बट बहुत प्यारा है। और सबसे आगे साजन भाई एडेवी 390, उसके बाद में पार्थेश, बीच में मैं, और पीछे हमारे एडी भाई, और शांति से अब चलाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ डबल रोड था, यहाँ सिंगल रोड है। और बहुत मज़ा आ रहा है सच में, ले ली मतलब ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया इसीलिए यहाँ पे वो चेक पोस्ट भी था, बट वहाँ पे कोई था नहीं रुकवाने के लिए। आई थिंक कुछ रुकवाते होंगे, प्रोसेस एंट्री वगैरह तो होगी होगी, हमको कोई रुकवाया नहीं है। रोड एकदम क्लीन है भाई, एकदम क्लीन, मतलब गाड़ी आवाज़ नहीं कर रही, ओनली साउंड के, गाड़ी का थ्रोटल साउंड बस, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं। बाकी इतना ऑफ रोड किया कि गाड़ी की आत्मा बाहर आ गई पूरी। अभी यहाँ पे धारचूला के बाद में पिथौरागढ़ वाला रूट 50 किलोमीटर आराम से हमने 1 आवर्स में क्रॉस किया है, और पूरा माउंटेन वाला रोड था। और ये वाला भी बहुत प्यारा रूट है, 1 वे है, थोड़ा स्लो हो गया, 2 वे होता तो और मज़ा आता। 1 वे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्योंकि गाड़ी अनु कंटिन्यू चला रहे हैं हम, और मेरा सेना बंद है, मैं
मैं सोच रहा हूँ एडी भाई को आगे ले लो, उसका भी वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे भाई बाघ वाघ दिखे तो मेरे को भी बोल देना कैमरे में। पारदेश भाई का बम दुखने लग गया इसलिए खड़े हो रहे हैं। बहुत ही बहुत बहुत प्यारा रूट सच में। हमें गर्मी लग रही है, आप देख सकते हो कि एडी एक नंबर का आदमी है, मस्त गाड़ी चलाता है। Shining in the sang song pone pone roki do left turn। तो गाइस मजा आया चलाने, थोड़ा सा रोड से नीचे उतारता हूँ, कोई आएगा बेंच हैरान करेगा। पार्थेश मोड़ है थोड़ा सा अंदर नीचे कर दे, अंदर कर दे। भाई आके ही नहीं खोली जा रही, चलेगा चलेगा। नहीं नहीं चल लो ना, अभी कुछ नहीं, मौसम खराब है उससे पहले पहुंच जाते हैं। क्या नहीं गीले हो जाए? अरे नहीं रे भाई, गीले तो होने चाहिए अभी। ज्यादा बारिश आए तो रोक देना, पैनियर में रख देंगे कहीं केस। महादेव महादेव। हाफ डबल रोड, अभी मैक्स पैनियर में रख सकते हो। हरिद्वार 315, दिल्ली 350। दिल्ली दूर नहीं है भाई, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली अब दूर नहीं।
एक लेफ्ट में ट्रक खड़ा है, आराम से हो गाड़ी है लेफ्ट में चालू कर रहे हो। आराम से मोड़ है, गीली रोड है भाई, हो थोड़ा आराम से। देख पिकअप आ रहा बीच में एक,